good morning welcome again in class 12th physics and the chapter dual nature of radiation and matter okay uh, in our previous video we already discussed some main concept regarding the effect of intensity of light the effect of potential and their graph okay now the third is इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या देना है देखना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है ठीक है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ेगा वो हमें देखना है ठीक है इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी एक रिलेशन देख चुके थे ये यहाँ पे देखिए के मैक्सिम इक्वल टू वॉट वन बाय हाफ एम वी स्क्वायर वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉड ठीक है यहाँ पर वी नॉड जो का स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है ओके नाओ वॉट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट ईच फ्रिक्वेंसी इट्स एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द सेचुरेशन करेंट इज सेम इच टाइम वेन द प्लेट ए इज ऐट अ पॉजिटिव पोटेंशियल क्या बोला गया है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीकुंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट ईच फ्रिक्वेंसी इज़ एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द दचुएशन करेंट इज़ सेम ईच टाइम वेन द प्लेट ए इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल ठीक है तो जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है हर एक फ्रीक्वेंसी पर उसकी इंटेंसिटी हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हर टाइम जो सेत्र करेंट है वो एक जैसा रहेगा सेम रहेगा जब हम प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड करें ओके द पोटेंशियल ऑन प्लेट ए इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस टू ज़ीरो अब उसके बाद में हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था अब हम धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं ग्रेजुअली जीरो की तरफ ला रहे हैं देन एंड देन इंक्रीज इन द नेगेटिव डायरेक्शन टिल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ रीज और हम उसको क्या कर रहे हैं ज़ीरो से फिर धीरे धीरे और नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं उस कंडीशन पर जब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिल जाए द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड विथ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और यही एक्सपेरिमेंट हम अलग 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 फ्रीक्वेंसी पर रिपीट करेंगे ओके Uh, इस ग्राफ में देखिए एशोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ठीक है क्या चीज़ यहाँ पर आई है द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा इंक्रीज होगा फोर फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वेर इन ऑर्डर वी जीरो थ्री इज ग्रेटर दैन वी जीरो टू एंड वी जीरो वन मतलब सीधा सा पंडा ये है कि वी न्यू वन फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी वन था अभी देखिए इस पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था इस फ्रीक्वेंसी पर ये था और इस फ्रीक्वेंसी पर ये था दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस ग्रेटर इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप सच इलेक्ट्रॉन ओके ये ग्राफ इस बात को प्रूफ कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी है वो अगर इंक्रीज होगी इंसिडेंट रेडिएशन की ठीक है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उतनी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आएगा और उसको रोकने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा ज़्यादा होगा ओके ये ग्राफ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ग्राफ जो है वो एनवोड पोटेंशियल इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल है इधर हम इलेक्ट्रिक करंट के भी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट के बीच में बनाएंगे ठीक है इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है सेम है सेम इंटेंसिटी आपको सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी चेंज करना है फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अलग अलग होगा स्वाभाविक सी बात है जो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से आएगा फोटोन जितनी स्पीड से आएगा उसको रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ओके इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिशन एंड करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल्स वी गेट स्टेट लाइन ओके ये देखिए मेटल ए के लिए फ्रीक्वेंसी है इधर और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ठीक है लीनियरली ग्राफ आपको मिलेगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा इधर इसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा ओके okay? ये न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोट क्या है न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोट इधर भी न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोट ये न्यू नोट जो है वो थ्रिशुअल फ्रीक्वेंसी है कि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इससे कम पर नहीं होगा तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो इस थ्रिशअल फ्रीक्वेंसी से आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा अदरवाइज नहीं होगा ओके okay? इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है यह यहाँ पे देखिए <coughs> ग्राफ एन इन फिगर दिस ग्राफ रिवेल्स द फॉलोइंग फैक्ट क्या क्या फैक्ट हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ठीक है दूसरा देर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो ठीक है देर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है द मिनिम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन बिलो वि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप ऑल टूगेदर इज कॉल्ड थ्रेशोअल्ड फ्रीक्वेंसी और उसको हम क्या बोलेंगे थ्रेशअल्ड फ्रिक्वेंसी बोलेंगे ओके फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी दीज ग्राफ आर पैरल स्टेट लाइन्स दैट इज देव सेम स्लो क्या बोला गया है फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी दिस ग्राफ आर पैरल स्टेट लाइन्स देट इज देव सेम स्लोक बट द थ्रेशुअल फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर द टू मेटल्स ठीक है ग्राफ तो क्या रहेगा दोनों पैरल होगा लेकिन थ्रेशुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों मेटल के लिए अलग अलग होगी ठीक है द अबव ऑब्जर्वेशन एम्पलाइज टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट द मैक्समम काइंटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ये हमने ग्राफ में अभी देखा है जो मैक्सिम काइंटिक एनर्जी है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होगी लेकिन इंटेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी फॉर अ फ्रीकवेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज़ पॉसिबल हाउ एवर लार्ज इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ठीक है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी इंसिडेंट रेडिएशन की तो वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमीशन नहीं होगा मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होंगे ओके वंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट इंस्टेंटेनियसली इवन इफ द लाइट इज़ वेरी डीम एक बार अगर फ्रीक्वेंसी आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इनक्रीज कर दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमीशन हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा चाहे आप लाइट जो है वो डीम क्यों ना हो द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ़ इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर टेन टू दि पावर माइनस नाइन और नैनो सेकेंड ठीक है तो ये जो टाइम है टेन टू दि पावर माइनस नाइन सेकेंड और यह हम बोल सकते हैं नैनो सेकेंड का रहेगा जैसे लाइट उस मेटलिक सरफेस पर गिरेगी एंड उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर इजेक्ट होंगे ओके okay? नाव आपको कुछ इम्पोर्टेंट लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए क्या क्या लॉ है लॉज ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेनार्ड एंड मिलिकन गिव द फॉलोइंग लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमीशन क्या क्या लॉ है फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या बोला है फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जो होगा वो उसके इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ठीक है जो सेचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के दूसरा फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड और उसी को हम क्या बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा ये वाला पॉइंट अबो द थ्रिशल फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्वेलेंट ली द मैक्सिम कांटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ठीक है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेकिन इंटेंसिटी का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा